जो लोग सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू धनालिया और मेरे चैनल का नाम है राधिका ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और ऊपर वाले की कृपा से मस्त और स्वस्थ होंगे। अभी सब लोग देखेंगे, मतलब खा के बताएंगे कैसा बना है। गाइस आज हमारा टाइम से रेडी हो गए। रीजन क्या है? क्योंकि आज का रात शाम अपने दादा दादी के पास सोते तो वो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, इसे शाम को जल्दी उठा दिया और शाम को जल्दी से रेडी हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बट आज भी स्कूल है दोनों बच्चों का और आज बच्चों को छोड़ने की ड्यूटी है मेरी, क्योंकि साहब कर रहे हैं आज सुबह मॉर्निंग से ही ऑफिस का काम। आज थोड़ा सा आप बिजी हैं तो बच्चों को छोड़ने मैं जाऊंगी। बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं। रेडी? लंच रख लिया? वाटर बोतल? श्यामा किधर है? नहीं, ये कैसा पेन है भाई? अच्छा जो माँ। तो गई ये पेन श्यामा की दादी लेकर आई थी खाटू श्याम जी से। ये देखिए फोन, ऐसे नहीं होता। ये फोन का स्टैंड भी है ना? हाँ। और ये ऐसे, ऐसे। तो श्यामा हो चुका रेडी, अब चलते हैं श्यामा को छोड़ने के लिए। चलो फटाफट से, चलो लंच। टाइम नहीं हुआ? कितना टाइम हुआ है? आज श्यामा टाइम से पहले रेडी हो गए। तो गाइस आज ना श्यामा टाइम से पहले रेडी हो गए। रीजन क्या है? क्योंकि आज का रात श्यामा अपने दादा दादी के पास सोए थे तो वो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए श्यामा को भी जल्दी उठा दिया और श्यामा बहुत जल्दी से रेडी हो गए। नहा लिया अभी फटाफट से, अभी टाइम नहीं हुआ। पर हेलो गाइस, तो गाइस दोपहर के अभी 1 बजने वाला है और मुझे अभी मयंक को लेकर आना है थोड़ी देर के बाद। अभी मयंक का टाइम नहीं हुआ है और आज मेरा फास्ट भी एकादशी का, और पूरे घर में इतनी डस्ट डस्ट हो रखी है ना, पूछो मत यार। मन भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा खुद में भी, मतलब सारे में किर 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 किर, जैसे आप लोग समझ सकते हो ये टाइल्स वगैरह का काम होता है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। तो मैं तो चाय वगैरह पी ली, मेरा फास्ट भी एकादशी का। और ये देखो ये मेरा आया है पार्सल, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया है, बट अभी मैंने ओपन नहीं किया। तो मैं चलो आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने बहुत ही प्यारा सा सूट मंगाया है, देखना कैसा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा है। तो इसको करती हूँ मैं ओपन, क्या है मतलब कैसा सूट है। मैंने सूट ऑर्डर किया था, बहुत ही प्यारा कलर था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो कलर ना। प्यारा है गाइस, सच में ट्रस्ट में बहुत ही प्यारा सूट है तो, और कॉटन का है बिल्कुल प्योर। ये देखो इसकी नेक पे भी कितना अच्छा वर्क है, वी शेप में नेक है ना अच्छा, और कलर भी बहुत प्यारा है। और ये मैंने किस पर पसंद आया, मेरे को ये था ये वाला जो आजकल अम्ब्रेला कट में चल रहे हैं ना सलवार सूट वाले, ये देखो इसका ये अम्ब्रेला सूट, कलर भी बहुत प्यारा है। देखो वही दुपट्टे की लेंथ भी कितनी बड़ी है, काफी बड़ी है यार, और सूट बहुत ही प्यारा है। और गाइस फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ मेरी जैसा मैंने चाहा था बिल्कुल ऐसा सूट आया है, अच्छा लगेगा। मैं वीडियो बनाऊंगी जरूर आप लोगों के लिए इस सूट को पहनने। अभी तो मुझे इसकी फिटिंग करानी है, मैंने थोड़ा मंगा लिया एक्सल वगैरह मंगा लिया मैंने, क्योंकि तो अच्छे से फिटिंग हो जाएगी ना तो अलग लुक आ जाती है फिर। तो गाइस प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना मेरा सूट कैसा है। तो चलो अब इसको क्या बना कर देते हैं। दुपट्टे की लेंथ भी काफी बड़ी है, ये देखो ना बहुत बड़ी है, और कॉटन का है गाइस, बिल्कुल प्योर कॉटन है, फैब्रिक ना इसका और गाइस बैड
गद्दे पे बेडशीट नहीं है, प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे डस्ट का काम चल रहा है। तो आज सारी बेडशीट वगैरह सब वॉश कर दी। फाइनली मयंक कृष्णा आ गए हैं। कृष्णा तो अपने आप आए, लेकिन मयंक को मुझे लाना पड़ा। ये देखो कृष्णा, श्यामा देखो, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे घर का कितना काम हुआ है। एक तो हमारे यहाँ पे जो वर्कर लगे हैं ना, इतने स्लो काम कर रहे हैं गाइस, पूछो मत। कल से लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हैं। तो चलो, इतनी ज्यादा टूट फूट हो रखी है ना, देखो अभी कल से इन लोगों से ये टाइल लगी है, बस इतना इतनी टाइम लगेगा इस, आप लोग देख सकते हो। और पूरे में इतना डस्ट डस्ट हो रखा है, ये देखो गाइस, कल से अभी ये टाइल लगी है। और ये हमने कल गेट भी ठीक कराया, तो ये ऊपर से भी टाइल निकल के गिर गई। अब ये ऊपर से सारे में ही लगेगी, अब सब तुड़वा दिया। गेट तो ठीक हो गया, बट टाइल टूट गई सारी, सारे में फैला हुआ है। तो गाइस वो सब लोग निकल चुके हैं वैष्णो देवी के लिए, उनकी ट्रेन है 9 बजे की, है ना, 8:50 की, 8:50 को जाके बैठ चुके हैं वो स्टेशन पे 6 बजे। पता नहीं क्या करेंगे। और गाइस मम्मी यहाँ बना रही है मैंगो शेक। मम्मी आपने मुझे बताया नहीं, मैंने मैंगो कटवा लिया आपसे। कोई नहीं, शेक भी पी लेना आप। नहीं गाइस, ये मैंगो आज ही आया नए, देखो आप कितने येल्लो है। मेरे फादर इन लोग को मैंगो शेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो अभी ऑफिस से आए हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। और गाइस परसों हमारा फ्रेंड बन रहा है बुआ के यहाँ जाने का, क्या लग रहा है आपको? बस किसी का कुछ काम ना हो तो चलेंगे, मेरे पेपर भी खत्म हो चुके हैं। स्कूल था आपका? स्कूल था, बस कल कल जा रहा हूँ परसों तक, सारी सीटें वीटें देख के फिर मैं छुट्टी बैठ छुट्टी पड़ जाऊँ। नहीं, डिनर भी बना लिया ना। डिनर में क्या बनाया है? आपकी फेवरेट सब्जी क्या? आलू टमाटर। अरे यार गाइस, इस घर का नाम है आलू फैमिली। आलू बनते हैं डेली, आलू फैमिली। फाइनली गाइस 9 बज चुके हैं, चलिए कराते हैं सभी को डिनर। और डिनर की तैयारी कर ली है मैंने, अपने लिए भी खाना बना लिया है। मेरा फास्ट आज एकादशी का, तो मैंने अपने लिए आलू जो बॉईल किए थे वो फ्राई किए हैं, और सभी के लिए बनाए हैं पटेटो की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। ये देखिए आलू बॉईल करके, और गाइस मैंने फर्स्ट टाइम डाला है ये अचार, मिर्च का अचार। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, बट मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मिर्च का अचार डाला है। आप सभी लोग खा के बताएंगे कि कैसा बना है, मैं सभी का वेट कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से सभी को डिनर करा देते हैं। तो चलिए गाइस सबके लिए रोटी बना देती हूँ। और गाइस ये अचार ना मैंने फर्स्ट टाइम डाला है, ये देखिए देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खा के सब बताएंगे। मैंने आज तक कोई अचार डाला ही नहीं, बट मैंने मिर्च का अचार डाला है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले चपाती वगैरह बना लेते हैं और देते हैं सबको खाना। तो गाइस फाइनली डिनर वगैरह सबने कर लिया है, और जो मैंने मिर्च का अचार बनाया था, कैसा बना था मिर्च का अचार आपसे पूछ रही हूँ मैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो गाइस वो कल मैं टेस्ट करके बताऊंगी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, अच्छा बना था। और वो लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं जो वो वैष्णो देवी गए हैं, मेरे देवर देवरानी वगैरह बच्चे, और घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है गाइस उनके बिना। कृष्णा श्यामा सब मम्मी पापा के साथ सो रहे हैं दोनों, दादा दादी के पास, और हम लोग नीचे सो रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग के एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।